और इधर पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा मोड़ वार्ड संख्या 14 निवासी राजेंद्र मिश्रा जौनी टोला इंग्लिशिया में पूर्व के कार्यरत शिक्षक थे। उनकी दो शादी हुई थी, पहले शादी से एक लड़का है और दूसरे शादी से दो लड़के थे। पहले शादी की पत्नी पहले से ही पुत्र जन्म के 4 साल बीतने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जहां बच्चे के लालन पालन हेतु उन्हें परिवार वालों के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी। वही समय बीतने का उपरांत बच्चे सभी प्रौढ़ अवस्था में आए। पहली पत्नी से पुत्र प्रकट कुमार मिश्रा जो कि चौरा चौरे गोरखपुर में बैंक में कैशियर के रूप में कार्यरत करते हैं, वहाँ उन्होंने इसी बैंक में घोटाला किया, जिसके नाम से उस घोटाले में गोरखपुर चौरी चौरा थाना में आज भी इनके नाम का बैंक रॉबरी कांड दर्ज है। शातिर व चलाक किस्म के स्वभाव वाले आपराधिक मामले में प्रकट कुमार मिश्र का अपने स्थानीय गांव में भी चल व अचल संपत्ति पर जबरन हक जताने, ऐसे कई बार परिवार में पटीदार के साथ मिलकर अपने सौतेले भाइयों के साथ अभद्र बातों का प्रयोग कर सौतेली माँ पर कई बार हमला व जान से मारने की धमकी आदि देना पेशा बन चुका था। इसी क्रम में प्रकट कुमार द्वारा अपने पिता राजेंद्र मिश्रा से उन्हें कई बार इस व्यवहार को लेकर नोकझोंक हुई। इनके आनाकानी करने के बावजूद उनके ऊपर भी गुस्सा निकालना, ऐसे कई बातों को लेकर प्रकट कुमार मिश्रा द्वारा बीते दिन ही परिवार के विवाद में जमीन कब्जा व संपत्ति पर अपना हक जमाने की बात को लेकर सौतेले भाई सहित पिता पर हमला किया गया, जहां राजेंद्र मिश्रा बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल अवस्था में बेतिया इलाज हेतु लाया गया है, जहाँ राजेंद्र कुमार मिश्रा ने इलाज के दौरान अंतिम सांस ले ली। वहीं दोनों सौतेले भाइयों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है। उनके द्वारा यह कहना है कि प्रकट कुमार मिश्रा ने अपनी दुश्मनी साध ली, उन्होंने मेरे पिता को जान से मार डाला। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराकर शव को अपने गांव ले गए हैं। वही पापा जी को मार रहा था, लोग गए बचाने तो हमको भी मार दिया लो, हाँ तो मार दिया लो, सबको मार दिया। पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री राजेंद्र मिश्रा। कौन कौन था लोग साथ में? मारने वाले कौन कौन थे? प्रकट, चांद और भगवान मिश्र और मनीष का तीन लड़का, मनीष हाँ मनीष और ढेर लोग भी था वहाँ। और उनके मामा प्रगट के माम पुराने पहले वाले मामा, नाम तो उनका था पुनू शुक्ला, उनका बेटा शुक्ला और 10-12 आदमी लेके भी आए थे लोग। और पटी दो घर है पटी पटदार लोग का, ये लोग पूरा जन मिल के पापा को मार दिया लोग। बोलो कुछ मामला बताइए। वो मेरे बड़े भाई और पटीदार लोग के साथ मिलके, अपने मामा के साथ मिलके उनका हत्या करवा दिए लोग, सबको मिलके। बहुत दिन से लोगों का प्लानिंग था मारने चोरने का, पहले से इन लोग पर के पिटीशन भी फाइल कर दिया गया था, फिर भी ये लोग पता ये दोबारा एक बार कर चुका था लो, ये दोबारा का घटना है, दोबारा मारा है लोग सारे लोग।